गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन निकालने की तरफ आगे बढ़ेंगे। पीछे कुछ लेक्चर्स में हमने पहले निकाला पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके बाद हम रुके, हमने ई और बी के रिलेशन पे फोकस किया कि कैसे, तो ई दिया हो बी निकालते हैं, समवर्ट क्वेश्चन परफेक्ट डिफरेंशियल अगर कुछ अच्छे सवाल हैं तो। उसके बाद हमने देखा कि कैसे अगर वी दिया हो ई निकालते हैं यूजिंग ग्रेडियंट, मींस वन थिंग इज इंटीग्रेशन, अदर थिंग इज डिफरेंशिएशन। देन अब हम दोबारा लौट के आते हैं पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद कुछ और चार्ज अरेंजमेंट्स में, कुछ और इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फिगरेशंस में जिनकी वजह से अब हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक होगा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका हमने फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन निकाले हुए एक्सिस पे निकाला 2 kV/r³, इक्वेटोरियल पे निकाला -kV/r³, जनरल पॉइंट पे निकाला, कई चीज़ें उसमें पड़ी। तो अब हम डाइपोल में दोबारा लौट के आते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहली चीज, मैंने डाइपोल लिया, ये उसका प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है एंड बाय कनेक्शन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन था वो हम कुएं से जेनरेट कर रहे हैं। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा पी, उसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू इंटू टू ए, और डायरेक्शन हमने एरो अप्लाई लगा दी रखा है। मान लो मुझे दिया गया है नेट आर बीटा डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट, कि जहां आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, आर बी डिस्टेंस फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर की वजह से जो डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट है वो हमने माना आर। तो जैसे हम एक्सिस पे निकालते थे, फिर इक्वेटोरियल पे निकालते थे, फिर जनरल पॉइंट पे जाते थे, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहां। तो सबसे पहले निकालते हैं ए पार्ट पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन का ही दूसरा नाम था एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन का ही दूसरा नाम था एंड ऑन पोजीशन। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हमने एक्सिस बोला था, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब एक्सिस पे आप पोटेंशियल किधर निकाल रहे हैं, आगे निकाल रहे हैं पीछे निकाल रहे हैं, उस पर डिपेंड है भाई पोटेंशियल की वैल्यू। सपोज मैं आगे भी निकाल रहा इसके सेंटर से आर डिस्टेंस को, ये मैंने कोई फील्ड पॉइंट लिया ए और ये पूरा अरेंजमेंट टू ए में फैला हुआ है, तो ये भी ए, ये भी ए। इसका मतलब अगर मैं प्लस क्यू माइनस क्यू से अलग अलग डिस्टेंस दिखाऊं तो प्लस क्यू से ए पॉइंट की डिस्टेंस होगी आर माइनस ए। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लस क्यू, हमने पीछे पढ़ा कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है kV/r, तो ये बनेगा k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए। अच्छा, ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपने इंफिनिटी पे जीरो पोटेंशियल माना है। मैं शुरू में लिख दूं कि लेट बी एट इंफिनिटी बी ये हमारी अजम्पशन है कि इंफिनिटी के आगे पोटेंशियल जीरो माना है। तो अब पोटेंशियल एट ए डिग्री प्लस क्यू आ गया, डायरेक्शन मत कर देना आगे डिग्री ऑफ प्रोडक्टिविटी पर, क्योंकि इंटेंसिटी होती है पोटेंशियल स्केलर है। माइनस क्यू से अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, माइनस क्यू से अगर आप डिस्टेंस देखते हैं तो आर और ये ए हो, तो ये पूरी डिस्टेंस आर प्लस ए। ये चीज हमने फील्ड इंटेंसिटी जब निकाली उसमें भी देखा था। तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू माइनस क्यू
दिस इज के क्यू अपॉन आर प्लस ए. पोटेंशियल एट ए डिग्री माइनस क्यू इज के क्यू अपॉन आर प्लस ए. यहां बच्चे गलती कर जाते हैं कि जब आप फील्ड इंटेंसिटी लिखते थे वो एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके मैग्नीट्यूड में चार्ज को हमेशा विदाउट साइन रखना होता है. लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो आपको चार्ज को हमेशा विदाउट साइन रखना होगा. इट मींस अगर ये माइनस के चार्ज है तो यहां क्यू की बजाय माइनस क्यू रखा जाएगा, यानी कि माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए. इन सभी फॉर्मों में के चल रहा है 1/4 पाई. तो अगर आप टोटल पोटेंशियल एट ए इक्वल बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिस विल बी वी एट ए इनटू टू प्लस क्यू प्लस वी एट ए ड्यू टू माइनस क्यू. एक बार निकालना होगा वी एट ए इनटू प्लस क्यू, ऊपर निकाल दिया तो माइनस क्यू निकाल दिया, वो दोनों इसमें पुट करेंगे वो आ जाएगा वी एट ए. अब इस काम को आगे बढ़ाते हैं. एक माइनस बाहर आ गया 2a1 के और ये बना k q into 2a
अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू पी होता है तो पोटेंशियल है ए एक्सिस, इस पर आ गया माइनस ए पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्सिस पे हमें ये पता लगा कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ निकाल रहे हैं तो के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज की तरफ एक्सिस पे माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं लेता हूं इसका स्पेशल केस, एक्सिस वाले का स्पेशल केस, इफ द डाइपोल इज पॉइंट डाइपोल, इफ द डाइपोल इज ए पॉइंट डाइपोल और द फील्ड पॉइंट इज फार अवे, दोनों एक ही बात है, या डाइपोल छोटा है या आर बड़ा है, इन दोनों ही केसेस में आर बहुत बड़ा होगा ए से, तो आप आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को नियरली आर स्क्वायर लिख पाएंगे एंड पोटेंशियल है ए निकल के आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर और माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। जिसको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं कि ये क्या बनेगा, डायग्राम के तरीके से अगर मैं ये दिखाऊं कि ये क्या बनेगा, तो वो हम देखते हैं। इट मींस ये आपका डायपोल है, छोटा डायपोल है, स्मॉल डायपोल, ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, अगर आप सेंटर से आर डिस्टेंस दूर आगे जाके पोटेंशियल लिखते हैं तो यहां पोटेंशियल लिखा जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, और अगर आप पीछे की तरफ आर डिस्टेंस दूर सेंटर से जाके पोटेंशियल लिखते हैं तो यहां पोटेंशियल लिखा जाएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको वन बोलूं और इसको टू बोलूं तो क्या ये दोनों पोटेंशियल इक्वल है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था पोटेंशियल इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद साइन, इट मींस वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, ये कोई इंटेंसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है आपको एक्सिस वाला काम समझना नहीं गया होगा कि ऑन द एक्सिस अगर हम शुरू से देखें तो हमने लिया कि V at infinity हम जीरो मान के चल ही रहे हैं, तो हमारे जो रिजल्ट है ऑन द एक्सिस आगे जाते तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, पीछे जाते हैं तो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ गए तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव की तरफ गए तो नेगेटिव। फॉर्मूला हमारा निकल गया KP upon R square minus A square, जिसमें भी अगर आप सौ डाइपोल लेते हैं, पॉइंट डाइपोल लेते हैं या फील्ड पॉइंट दूर लेते हैं तो बन जाएगा KP upon R square, अगर आगे की तरफ है तो KP upon R square और अगर पीछे की तरफ है नेगेटिव की तरफ तो माइनस KP upon मुझे लगता है एक्सिस वाला शायद क्लियर हो ही गया होगा किस तरह से, ये प्लीज अपनी कॉपी में जरूर नोट करना ढंग से समझ के, इसी तरह से काम चल रहा है। अब हम इसी में आगे बढ़ाते हैं और अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट सेकंड पोजीशन पे, हम चल रहे हैं बी पार्ट, बी पार्ट इज पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल या फिर उसी का नाम था ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, पोटेंशियल है इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइडेड ऑन पोजीशन, मतलब उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम निकालेंगे कि भाई क्या है। तो उसके लिए मैंने दोबारा से डायग्राम लिया, ये आपका डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी ये कोई पॉइंट है सपोज बी, मुझे ये डिस्टेंस आर ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस भी है ए,
तो क्यों सी ये डिस्टेंस हम पहले फील्ड इंटेंसिटी टाइम में देख चुके हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस से यही होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसकी वजह से मैं क्या कहता हूँ, कहते हैं पोटेंशियल रेडी डाउनवर्ड है कि वर्तमान ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर हम लिखते हैं वी एट बी ड्यू टू प्लस सी, वी एट बी ड्यू टू प्लस सी के क्यों अपॉन दिस डिस्टेंस, तो ये जो नीचे डिस्टेंस है ये चेंज होगी और अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन वी एट बी ड्यू टू माइनस क्यू, दिस विल बी के माइनस क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस, तो ये आपका बनेगा के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट मींस माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नाउ नेट पोटेंशियल हमें निकालना है, दिस दिस आर वी एट बी, वी एट बी टू प्लस क्यू, वी एट बी टू माइनस क्यू, तो नेट पोटेंशियल एट बी निकालेंगे तो इन दोनों का सम करेंगे के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया जीरो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा हमारे पास कि पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल ऑफ अ डाइपोल इज जीरो, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो होगा, यह हमारे पास सीधा रिजल्ट आता है। कुल मिलाकर इससे क्वाड्रेंट सिस्टम की झलक दिखाई देगी, अगर आपको दिखाता हूं मैं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, उस बोर्ड पे चलते हैं। तो फाइनल हमारे पास एक फॉर्मूला है कि एक्सिस का केपी अपॉन आर स्क्वायर फॉर शॉर्ट डाइपोल एंड इक्वेटोरियल पे जीरो। क्वाड्रेंट सिस्टम की झलक यहां से दिखाई देगी पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, कि जो जैसे आप मैथमेटिक्स में डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेंट सिस्टम लेते हैं वो यहां पर बनेगा। सपोज ये डाइपोल रखा हुआ है जिसकी भी डायरेक्शन आगे की तरफ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आगे की तरफ है, मैंने ये इसकी एक्सियल लाइन बनाई और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन बनाई, एक एक्सियल लाइन बनाई एक इक्वेटोरियल लाइन बनाई, मैं क्वाड्रेंट सिस्टम लेता हूं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है। अभी मैं रिजल्ट दूंगा कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो डाइपोल का पोटेंशियल है वो जीरो होगा, इट मींस इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल जीरो, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल जीरो। यहां हमने देखा इस फोर डाइपोल में मान लो आर स्क्वायर टू जो पोटेंशियल था वो आया था केपी अपॉन आर स्क्वायर और शॉर्ट डाइपोल, पीछे हमने देखा आर स्क्वायर टू जो पोटेंशियल था उससे अलग था, यहां पोटेंशियल था माइनस केपी अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें चार क्वाड्रेंट्स की अगर आपको जरूरत है उसमें तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ है वहां नेट पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा और जो पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरफ है वहां नेट पोटेंशियल नेगेटिव मिलेगा, अज्यूमिंग दैट वी एट इनफिनिटी इज जीरो, और जो पॉइंट दोनों से इक्विडिस्टेंट है वहां नेट पोटेंशियल जीरो मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोटेंशियल कैसा होगा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट से माइनस क्यू की तरफ है तो पोटेंशियल कैसा होगा नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस की तरफ है तो पोटेंशियल कैसा होगा नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन प्लस की तरफ है तो पोटेंशियल कैसा होगा पॉजिटिव। इनसे एक आइडिया आ जाए दिमाग में, कोई पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कौन सा ऐसा टी रेशियो है, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसकी वैल्यू इस तरह चलती है, साइन फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड पॉजिटिव गलत, कॉस फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव थर्ड नेगेटिव फोर्थ बिल्कुल सही, यानी कि इसका यह मतलब है कि हमें यहां से आइडिया मिल रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू
डाइपोल इज वेरी विद कोस थीटा, या जनरल पॉइंट पे देखेंगे कैसे वो कोस थीटा की तरह चेंज हो। हमने पहले एक्स एक्सिस पे निकाला, फिर एक ट्यूटोरियल पे निकाला, एटलीस्ट ये दो बातें हमारी समझ में आई होंगी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे झलक हमें दे रहे हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा जस्ट अभी थोड़ी देर बाद हम बनाएंगे, तो उसमें जनरल पॉइंट का आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से पोटेंशियल जनरल पॉइंट निकालते हैं। मुझे लगता है कि एक्सिस और इक्वेटोरियल शायद आप सबको समझ में आ गया होगा। अपने नोट्स लगातार बनाते रहें, ये जो टाइम है इसको अच्छे से यूज करें, लेक्चर को ढंग से समझने की कोशिश करें, और कोई डाउट रहता है आप मेरे पास मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।